ये मेरी कहानी स्टार्ट होती है नीले रंग की गाड़ी में। मस्त जिंदगी चल रही है वेगास के हमें गैंगस्टर माने हुए। बाकी आगे पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। इंट्रोडक्शन हमारी एकदम घातक चल रही है और हर तरफ क्राइम हो रहे हैं, पुलिस मार रही है किसी को, कभी कुछ हो रहा है। तो हम वेगास के कसिनो के आसपास के एरिया में घूम रहे हैं और एक ये घातक इंट्रोडक्शन चल रही है और म्यूजिक चल रहा है पीछे बहुत ही धांसू। कचरे से भरी पड़ी है ये सिटी है और ये गैंगस्टर वेगास की हमारी इंट्रोडक्शन है। ये हमारी एक यादगार सीरीज रहेगी तो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। द गैंगस्टर वेगास। जिंदगी का एक ही असूल होता बेटे, तू हर चीज नहीं जी सकता जिंदगी में। जिंदगी खत्म होते ही हमें सरवाइव करना होता जिंदगी से। मेरी बात ध्यान से सुन, वो सिस्टम में आने वाला था पर वो सोच रहा था वो सिस्टम को तबाह कर दे, पर जो सिस्टम से पंगा लेता है वो मारा जाता है जिंदगी से। अब हमने पकड़ लिया ऐसा कूड़े का ढेर जो सोचता है जिस सिस्टम में वो रह रहा है उसी के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा। इसको अच्छी तरीके से देख ले जेसन, मैं चाहता तो इसको जरा देख तो सही। ये बंदा जरा भूल गया मैं शहर का मालिक हूँ और मैं ही यहाँ का सिस्टम हूँ। तुझे पता जेसन फिर क्या होता है? तुझे पता क्या होता है फिर? जो सिस्टम के साथ सही रहता है, जो सिस्टम के साथ रहना चाहता है वो ही अच्छी लाइफ जीतता है। तेरे को समझ आया मैंने क्या बोला? तुझे ये मैच हारना होगा। अबे नहीं 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 नहीं, उठ 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 उठ, कोशिश कर। अरे फोन उठा यार जल्दी से, पता नहीं क्या। मेरी गाड़ी कहाँ पर है कैरन? मुझे गाड़ी चलानी। मिस मेंटेलो, अब तुम कौन हो? आप मुझे पहचानोगी नहीं, मैं जेसन हूँ, पॉली रिले का कजन हूँ मैं। और वो पॉली, छोटा पॉली कैसा है? वो ठीक है यार। क्या वो अभी भी उस लड़की के साथ घूम रहा है? पॉली के बारे में पूछ रही हूँ मैं। पॉली ने मुझे कहा था जब मुसीबत पड़ जाए तो आपको फोन कर दे, मैं मुसीबत में हूँ। जल्दी बता बेटा कि क्या मसला है। अरे ये फ्रैंक, हाँ हाँ वही वही वही, वो मेरा पीछा कर रहा है अभी। मैं अभी रोड की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को मारना चाहता है। अबे यार आई ओ ओए, लग गई यार। मेरा मकसद उसको हराने का नहीं था। उससे भी कुछ नहीं होगा बेटा, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं। शायद से तुमने हमें फोन किया था। हाँ मैंने बोला जल्दी आओ, चलते हैं यहाँ से।
शायद से सबसे पहले मुझे तुमसे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम्हारा नाम पूछना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें एक गोली पकड़नी है और जो पीछे गुंडे आ रहे हैं उन पे गोली चलानी है तुम्हें। यहाँ से बच के जाना हमें। तो हमारा तो एक स्टार्टिंग का मिशन है, तो मैं तो गोलियाँ चलाऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ ये कैसे गोलियाँ चलानी है, बाकी हम बाहर की तरफ निकल के इस गोली को चलाएंगे उस गाड़ी के ऊपर, गुंडों की गाड़ी के ऊपर। बाकी मैं अपना माउस तैयार रखता हूँ। तो कोशिश तो यही जा रही है, बाकी लाख कोशिश हम अपनी कर रहे हैं। और ये मारता हूँ उस गाड़ी पे गोली मैं, और इस पे एम लेता हूँ सबसे पहले और इस पे गोलियाँ चलाता हूँ। ये मैंने चलाई गोली और ये मैंने गाड़ी फोड़ी। तुम गोली तो सही चला लेते हो, तुमने प्रैक्टिस की है क्या? मेरा भाई और मैं गोलियाँ चलाते थे, चूहों को मारते थे साउथ की तरफ। चलो ठीक है, मुझे लगता है और बंदे पीछे पड़ चुके हैं हमारे। मैं वैसे कैरन हूँ। क्या? मेरा नाम कैरन। अच्छा अच्छा, तो तुम मिस मेंटेलो के साथ काम करती हो? हाँ, मैं उसके अकाउंटेंट हूँ, उसका बिजनेस संभालती हूँ। ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, तुमने ऐसा क्या किया? मेरी आज लड़ाई थी, मेरे को वो जीतनी नहीं थी पर मैं जीत गया। क्या वो तुम थे? मैं उसको पीटना नहीं चाहता था पर वो मेरे से पता नहीं कैसे पिट गया। इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, गोली चलो इन पे। ये मैंने चलाया आरपीजी ग्रेनेड लॉन्चर, इससे हमारी फाइट, और ये बंदे बहुत खतरनाक तरीके से मर चुके हैं। अब मेरे पीछे हेलीकॉप्टर की साउंड आ रही है, बाकी आगे देखते हैं। वो सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है, अब इसको भी अंधाधुन फायरिंग करनी है। तो मेरे हाथ में तो आरपीजी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको फोड़ने की। एक शॉट मेरा लग चुका है हेलीकॉप्टर के ऊपर। अबे फिजूल की गाड़ियाँ आ रही है नीचे, इनको भी फिजूल की गाड़ियों को उड़ाना है। ये मैं अपना पूरा आरपीजी टिका कर मार रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मर रही। मैं अपनी लाख कोशिश कर रहा हूँ इनको मारने की, पता नहीं एक भी एम नहीं लग रहा मेरा अभी। बाकी मुझे नहीं पता मैं नूबड़ा हूँ या नहीं हूँ, वो तो मैं ही जानता हूँ। तो हमारी फाइट तो एकदम मस्त चल रही है, पीछे हॉलीवुड का गाना मस्त चल रहा है, तो मस्त लाइफ चल रही है इसका मतलब। हेलो, तुम क्या स्विमिंग कर सकते हो? मैं क्या करूं? तुम क्या तैर सकते हो? हाँ, क्यों? मैं एक डिसीजन ले रही हूँ। यहाँ से निकालो हमें। अब इन लोगों से मैं छुटकारा छूट जाएगा। अरे नहीं, खुल जा। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैम आज आप क्या शरारत कर रही हो? नहीं नहीं ऑफिसर, मैं अभी से नहीं, पूरा दिन से पी रही हूँ। ये क्या मेरी आंखों का धोखा है? क्या मैं वीरा मेंटेलो को देख रहा हूँ? नरकवासी जॉनी मेंटेलो की वाइफ है तू, पहचान गया तुझे मैं। वो सारा इस शहर का राजा माना करता था और राजा भी था, और एक दिन मारा गया। मैं तो उसको रोज ही याद करती थी और अभी भी करती आ रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ। वो बात छोड़ो दादी माँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे वापस छोड़ देता हूँ, बुड्ढों के एरिया में। आई उई मुझे छोड़ दो। आई अरे अरे नहीं, अरे मार दिया यार, अरे छोड़ दे यार बस, सॉरी। देख ली ना तूने मेरी पावर। हेलो वीरा, तुमने इतने सारे पुलिस वालों को ऐसे पीटा? मुझे लगता दारू पीकर पीटा तूने। तुम्हें लगता है सिर्फ मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकती हूँ? मुझे खुशी हुई कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, पुरानी वाली को तो जंग लग गया था हमारी। क्या ये हम घरेलू बातें बाद में भी कर सकते हैं? अभी यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही थी, तू वही बच्चा है ना? हाँ मैं जेसन हूँ। तू ड्राइव कर। क्या ड्राइव करूँ? ट्रक को। तो मुझे लगता है मुझे 5 स्किल पॉइंट मिले हैं, अब इसको मेरे को शॉप करना पड़ेगा ज़रूरी, वो भी मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी हमारा खुल चुका है। अब मेरे को गाड़ी अपग्रेड करनी है और बैग जाता हूँ मैं। अब मेरे पे ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे को ड्राइव करने के लिए बैठना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर, अब करते हैं इसको ड्राइव।
क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? फ्रैंक मेरे को मारने के पीछे पड़ा है। ये ट्रक भी ना बड़ा मुश्किल है चलाने में, ऐसा लग रहा है सीवर का ढक्कन घुमा रहा हूँ। ये इतने भी मजबूत नहीं है, पर ये पुलिस के ब्लॉकेट को तोड़ सकते हैं जरूर। बहुत बढ़िया, तुमने तो पुलिस वालों को हिला कर रख दिया। उन्होंने तुम्हें इसलिए ढूंढना क्योंकि तुमने उन पहले गुंडों को मारा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर यहाँ का कानून अच्छा होता तो मैं अब तक अपनी जस्टिस ले पाता। बहुत बढ़िया बेटे, मैंने अभी पी रखी है। तुम्हें बधाई हो बेटा, तुम लॉस वेगस में मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुके हो। मुझे लगता नहीं है ये ठीक होगा। साइड हट जाओ। ये बहुत जबरदस्त ड्राइव थी। कई सालों बाद इतना मजा आया मुझे आज। कैरन, तुम जरा जेसन को समझाओ, वो थोड़ी देर इंतजार करे, बाकी मैं फ्रैंक से इसका पीछा छुड़ा दूंगी। ये मुश्किल है पर हम ये करके जरूर दिखाएंगे। आप जानते हो मैं आपके पास खड़ा हूँ, अब क्या करना है हमें वो बताओ। ये बढ़िया है, आप सबको ठीक है, थोड़ा छुप कर रहो, बाकी हम मिलते हैं बाद में। तो मिशन पास हुआ हमारा, गैंगस्टर वेगस का फर्स्ट मिशन। तो सब्सक्राइब मार दे, मेरे नए आ रहे हैं जो भी।